गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 11th। बच्चों, हम आपका टॉपिक कवर कर रहे थे वर्क एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्क। क्या होता है वर्क? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
ठीक है, हीट क्या होता है बच्चों? हीट होता है एनर्जी का ट्रांसफर, लेकिन कहां पे? जहां पे डिफरेंस होता है किसका? टेम्परेचर का। सपोज कीजिए ये आपका सिस्टम है और ये क्या है? सराउंडिंग। सो अगर आपका सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी? सिस्टम से सराउंडिंग में। और अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का कम है तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? सराउंडिंग से सिस्टम में। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इन अकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जहां पे क्या होता है टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वहां पर हीट का फ्लो होता है। और कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। सो नेक्स्ट होता है बच्चों क्या होता है फॉर्मूला हीट का, किससे डिनोट करते हैं? सबसे पहले हीट को डिनोट करते हैं एच से। फॉर्मूला equal
सिस्टम को हीट दे रहे हैं या फिर उस सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, ठीक है। प्लस वर्क, या तो सिस्टम पर वर्क हो रहा होता है या फिर सिस्टम वर्क कर रहा होता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, उस सिस्टम में इन्वॉल्व हीट और उस पर या उससे किए गए वर्क डन के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। ये तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों, या तो सिस्टम को हीट मिल रही है या फिर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, या सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर सिस्टम पर वर्क हो रहा है। सो इसमें हम बच्चों आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। सपोज कीजिए आपका कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड हो रही है, सो हीट आप लोगे बच्चों साइन कौन सा लगाओगे, प्लस। अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड हो रही है सो आप कौन सा साइन यूज करोगे, प्लस। लेकिन अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, ठीक है, सिस्टम इज रिलीजिंग द हीट, सो कौन सा साइन यूज करेंगे आप, माइनस। नेक्स्ट, अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है, ठीक है, अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है तो साइन कौन सा यूज करोगे आप, प्लस। लेकिन अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो आप कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो साइन।
हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। सो कौन से साइन के साथ आएगा? प्लस साइन के साथ। हीट एब्सॉर्ब क्या है? 500 किलो जूल। नेक्स्ट इज सिस्टम डस 350 कैलोरी ऑफ वर्क। सिस्टम ने वर्क किया है तो सिस्टम अगर वर्क करता है दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट है बच्चों, हम कुछ कंक्लूजन करेंगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। Work done by the system. Next is
इफ वर्क डन इज जीरो, सेकेंड इज इफ वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। सो यहां पे आप वर्क को क्या करो, जीरो पुट करो। तो जब आप वर्क को जीरो पुट करोगे तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, जीरो प्लस क्यू एंड डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज बाय द सिस्टम, क्योंकि यहां पे डेल्टा यू किसे डिनोट कर रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, या तो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फिर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा होगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज बाय द सिस्टम, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है बच्चों। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज, तो हीट रिलीज भी हो सकती है और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। सो द चेंज will be equal to the heat absorbed or released by the system। थर्ड पॉसिबिलिटी है बच्चों, और जो भी आपका डाउट है आप उसे क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है।